Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay. दोस्तों इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेज चला रखा हूँ, तो आप मेरी ये सभी क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो देखो आज हम यहाँ पर ज्योग्राफी का जो चैप्टर 28 है वो कंप्लीट करवाने जा रहे हैं आपको, चैप्टर नंबर 28। और जो चैप्टर नंबर 28 है इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है जो 332 से लेकर 347 तक के टोटल यहाँ पर हम आपको 15 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। और ध्यान रखना जो सेट है वो 28वां है, यहाँ पर देखो बिल्कुल कॉर्नर में लिखा हुआ है 28वां सेट है। क्वेश्चन नंबर 332 से लेकर 347 तक आज तक मैं टोटल आपको 332 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ और आज हम 347 तक टोटल प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यदि आप इन सभी क्वेश्चंस की बिल्कुल एज इट इज पीडीएफ लेना चाहते हो या फिर मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है ज्योग्राफी का जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए और नेट जेआरएफ के एग्जाम्स के लिए या फिर सेट के एग्जाम के लिए, टीजीटी के एग्जाम के लिए और पीजीटी के एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका स्पेशल टारगेट है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करें। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो या पीडीएफ लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470। दोबारा बता रहा हूँ 7891350470। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से मेरे को चैट कर सकते हो, मेरे को कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, साथ साथ आप पीडीएफ भी ले सकते हो। तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं हमारी जो पीडीएफ आज की जो मॉडल पेपर सेट 28वां उसके ऊपर हम डायरेक्टली चलते हैं। और ध्यान रखो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और बहुत सारा कमेंट करना, जो जहां आपको प्रॉब्लम हो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अब हम मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो स्टार्ट होता है हमारा देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन फर्स्ट, अभिसारी प्लेट किनारा और मध्य महासागरीय कटक, अभिसारी प्लेट किनारा और मध्य महासागरीय कटक दोनों, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी और भूकंप गतिविधियों से मुक्त क्षेत्र हैं। दूसरा कथन है प्रशांत महासागर का अग्निवलय जिसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ द फायर बोलते हैं, क्षेत्र में विश्व की दो तिहाई ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं। हमारे पास ये दो कथन है, हमें बिल्कुल सत्य कथन की पहचान करनी है कि यहाँ पर कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शंस में से हमें एक को ढूंढना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो ये दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्यों करेक्ट है, पहला क्यों है जो ऑप्शन है वो क्यों गलत है, उसके दो कारण है। पहला, विश्व का अधिकांश ज्वालामुखी एवं भूकंप गतिविधियां अभिसारी प्लेटों के किनारे तथा मध्य महासागरीय कटकों के साथ होती हैं। कि जो विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं या फिर विश्व की अधिकांश जो भूकंपीय गतिविधियां होती हैं, कि विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी गतियां भूकंपीय जो गतिविधियां होती हैं वो अभिसारी प्लेट सीमाओं के किनारे और मध्य महासागरीय कटकों के साथ होती हैं। प्रशांत महासागर में अग्निवलय में विश्व की दो तिहाई ज्वालामुखी गतिविधियां घटित होती हैं और जो फायर ऑफ रिंग है जिसको हम प्रशांत महासागर का अग्निवलय बोलते हैं, वहां पर विश्व की दो तिहाई ज्वालामुखी गतिविधियां संपन्न होती हैं या फिर घटित होती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं हम डायरेक्टली। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन फर्स्ट है अटलांटिक तटों के सारे अधिकांश सुसुप्त एवं मृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं। दूसरा कथन है आइसलैंड और एजोर्स
अटलांटिक महासागर की सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो हमें यहाँ पर सही कथन का पता चलाना है कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो आपको ये बिल्कुल चार ऑप्शन दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, हमें यहाँ पर पता चलाना है कि इन चार में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है कि अटलांटिक तटों के सारे अधिकांश सुषुप्त एवं मृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और जो कथन नंबर दो है वो बिल्कुल गलत है यहाँ पर। अब क्यों गलत है, कैसे गलत है, देखो हम आगे पढ़ते हैं। ये रहा, अटलांटिक महासागर के तट के सारे या अटलांटिक महासागरीय क्षेत्रों में प्राय सुषुप्त एवं मृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं कि अटलांटिक महासागर के तट के सारे और अटलांटिक महासागरीय क्षेत्रों में प्राय सुषुप्त या मृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सेंट हेलेना, कैप वर्ड द्वीप और कनारी द्वीप आदि ये इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। सेंट हेलेना, कैप वर्ड द्वीप और कनारी द्वीप ये तीनों के तीनों हैं जो अटलांटिक महासागर के सुषुप्त या मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। किंतु सेकेंड पॉइंट है किंतु एजोर्स और आइसलैंड के ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। जो एजोर्स और आइसलैंड का जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, अफ्रीका के रिफ्ट क्षेत्र में माउंट किलिमंजारो और माउंट केन्या ये मृत ज्वालामुखी हैं कि जो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और माउंट केन्या है वो क्या है, मृत ज्वालामुखी है। जबकि पश्चिमी अफ्रीका में कैमरून, माउंट कैमरून एक ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। दोबारा से, माउंट कैमरून और माउंट केन्या ये अफ्रीका के मृत ज्वालामुखी हैं जो कि रिफ्ट क्षेत्र में, कहाँ पर है, रिफ्ट क्षेत्र में। जबकि जो पश्चिमी अफ्रीका का माउंट कैमरून है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन के ऊपर, कौन सा कथन सही है। पहला कथन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। दूसरा कथन है भूमध्य सागरीय क्षेत्र के ज्वालामुखी का संबंध मुख्य रूप से अल्पाइन वलन से है। और तीसरा है विसुवियस को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो यहाँ पर ये तीन पॉइंट है, इन तीनों पॉइंटों के ऊपर हमें डिस्कस करना है और सही कथन का पता चलाना है कि यहाँ पर बिल्कुल राइट पॉइंट कौन सा है। ये टोटल चार ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर तीन की, तो यहाँ पर जो राइट पॉइंट है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है कि यहाँ पर जो पहला और दूसरा पॉइंट है वो बिल्कुल सही है और जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पर गलत है। क्या है, तीसरा पॉइंट है जो गलत है। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी का प्रमाण नहीं पाया जाता, कि ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी क्रियाएं घटित नहीं होती हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के ज्वालामुखी को मुख्यतः अल्पाइन वलन से संबंधित किया जाता है। जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के ज्वालामुखी हैं वो अल्पाइन वलन से संबंधित हैं। विसुवियस और स्ट्रोंबोली भूमध्य सागर के प्रमुख ज्वालामुखी हैं। कौन कौन सा, विसुवियस और स्ट्रोंबोली है जो भूमध्य सागर का प्रमुख ज्वालामुखी है। स्ट्रोंबोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, जो स्ट्रोंबोली है उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और ये जो स्ट्रोंबोली ज्वालामुखी है वो भूमध्य सागर के सिसली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोंबोली ज्वालामुखी कहलाता है और जो ये स्ट्रोंबोली ज्वालामुखी है वो सिसली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। कहाँ पर है, सिसली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर चार के ऊपर, जहाँ हमें सुमेलित करना है आपस में कि कौन सा सही है। क्या करना है, सुमेलित करके पता चलाना है कि यहाँ पर कौन सा सही है। तो पहला है विश्वसीय सक्रिय, क्राकाटोवा सक्रिय, एंटेना सक्रिय, फ्यूजियामा प्रसुप्त और कोलिमा सक्रिय। और हमें यहाँ पर पता चलाना है कि ये जो टोटल पांच थे इन पांचों में से कौन सा बिल्कुल सही है, कि इन पांचों में से कौन सा सही है यह हमें पता चलाना है। और इसके लिए ये टोटल चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शनों में से पता चलाना है हमें कि कौन सा करेक्ट है। तो जो ये तीनों कथन है, एंटेना, फ्यूजियामा और कोलिमा,
ये बिल्कुल सही है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। देखो आगे हम बता देते हैं आपको, विसुवियस एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो कि भूमध्य सागर में है। क्राकाटोआ एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो कि सोंडा जलडमरू मध्य के पास में है। एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली में है। फ्यूजियामा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो कि जापान में है। कोलिमा एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि मैक्सिको में है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें आपको जगह भी स्थान भी याद करना है और वो उसकी जो प्रकृति क्या है, प्रसुप्त है या फिर एक्टिव है या डोरमेंट है, आपको वो भी ध्यान रखना है कि सक्रिय कौन सा है, प्रसुप्त कौन सा है और मृत कौन सा है। देखो थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं, सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वॉल्केनिक वो होते हैं जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में भी उद्गार हो रहा है, जो प्रेजेंट टाइम में भी एक्टिव है, जहाँ से प्रेजेंट टाइम में ज्वालामुखी क्रियाएं संपन्न हो रही हैं। प्रसुप्त वो होते हैं जहाँ पर फिलहाल में तो नहीं हो रही लेकिन आगे ज्वालामुखी क्रिया घटित हो सकती है। और मृत ज्वालामुखी वो होते हैं जहाँ पर पता नहीं कब ज्वालामुखी क्रिया हुई थी और पता नहीं कब होगी, जहाँ पर आगे ज्वालामुखी क्रिया होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते और बहुत पहले ज्वालामुखी क्रिया संपन्न हुई थी, तो उसको हम बोलते हैं मृत ज्वालामुखी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो कि कौन सा कथन सही है। हिमालय क्षेत्र में कोई ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, कथन ए। कथन बी, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है। तो यहां पर जो कथन ए है वो बिल्कुल सही है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। वो क्यों है कि जो हिमालयी क्षेत्र है और भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहां पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, ना तो हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता और ना ही प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है, ये बात बिल्कुल गलत है। देखो क्यों है कि भारत का जो अंडमान निकोबार है वहां पर बैरन द्वीप, इसके अलावा एक नारकोंडम, दो ज्वालामुखी क्रियाएं हैं, ज्वालामुखी हैं कि भारत का जो अंडमान निकोबार है वहां पर एक तो बैरन द्वीप है और दूसरा नारकोंडम है, ये दो ज्वालामुखी हैं, जिसमें जो बैरन ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वो हमें इन कथनों के ऊपर विचार करना है और हमें पता चलाना है कि कौन सा कथन सही है। कथन पहला, माउंट पीली वेस्ट इंडीज में अवस्थित है। माउंट पीली के उद्गार से मोर्टेनिक की राजधानी सेंट पियरी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। पहला कथन है माउंट पीली ज्वालामुखी वेस्ट इंडीज में अवस्थित है। दूसरा कथन है माउंट पीली के उद्गार से मोर्टेनिक की राजधानी सेंट पियरी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। तो यहाँ पर हमें टोटल 4 ऑप्शन मिले हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि जो दोनों के दोनों कथन है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वही दोनों कथनों के ऊपर हमें विचार करना है और कौन सा कथन सही है इसका हमें पता चलाना है। पहला कथन है, ज्वालामुखी स्थानीय स्तर पर वायु प्रदूषण और अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा कथन है, ज्वालामुखी वैश्विक स्तर पर निम्न सतही तापमान और ओजोन परत में क्षरण का कारण हो सकता है। अब हमें यहाँ पर पता चलाना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ये जो दोनों के दोनों कथन है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, दोनों के दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखो जो ज्वालामुखी गैस है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये 3 गैसें इंक्लूड की जाती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये तीनों ज्वालामुखी गैस हैं। अब इसमें है एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो स्थानीय स्तर पर अम्लीय वर्षा और हवा के रूख के साथ वायु प्रदूषण का कारण बनती है।
कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी वजह से अम्लीय बरसात होती है और वायु प्रदूषण होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखी उद्गार से समताप मंडल में बड़ी मात्रा में सल्फर एरोसोल प्रवेश करती है जो निम्न सतही तापमान और ओजोन परत में क्षरण का कारण बनती है। क्या है दोबारा देखना, वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखी उद्गार से समताप मंडल में बड़ी मात्रा में सल्फर एरोसोल प्रवेश करती है और निम्न सतही तापमान और ओजोन परत में क्षरण का कारण बनती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है, पता चलाना है कौन सा कथन सही है। बिल्कुल वही सेम तरीके का क्वेश्चन है, कथन फर्स्ट है हॉटस्पॉट ज्वालामुखी है घटना स्थल मंडल के आंतरिक भाग में गठित होती है। दूसरा कथन है हॉटस्पॉट पृथ्वी के मेंटल में वह क्षेत्र है जहां से संवहन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जो 8वां क्वेश्चन है उसमें हमें सही कथन का पता चलाना है। तो यहाँ पर ये जो दोनों ही दोनों कथन है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी है जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो सामान्य तौर पर ज्वालामुखी यह घटना प्लेटों के किनारों पर होती है, किंतु हॉटस्पॉट ज्वालामुखी घटना किनारों पर न होकर स्थल मंडल के आंतरिक भाग में होती है। कि जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं वो प्लेटों के किनारों पर होती हैं और जो हॉटस्पॉट की घटना होती है वो स्थल मंडल के आंतरिक भाग में होती है। हॉटस्पॉट पृथ्वी के मेंटल में वह क्षेत्र है जहाँ से संवहन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट है कि जो हॉटस्पॉट है वो पृथ्वी के मेंटल में वह क्षेत्र है जहाँ से संवहन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर कुछ हॉटस्पॉट ज्वालामुखी है उनका एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे हवाईयन हॉटस्पॉट ज्वालामुखी है, येलो स्टोन हॉटस्पॉट ज्वालामुखी है, रीयूनियन हॉटस्पॉट ज्वालामुखी है। कि टोटल 3 हॉटस्पॉट ज्वालामुखी हैं, एक हवाईयन हॉटस्पॉट ज्वालामुखी है, दूसरा येलोस्टोन हॉटस्पॉट ज्वालामुखी है और तीसरा रीयूनियन हॉटस्पॉट ज्वालामुखी है। उसके बाद हॉटस्पॉट ज्वालामुखी जलमग्न पर्वतों का निर्माण करते हैं जिसे सीमाउंट कहते हैं। जो हॉटस्पॉट ज्वालामुखी होते हैं वो जलमग्न पर्वतों का निर्माण करते हैं जिनको हम सीमाउंट कहते हैं। मेडागास्कर के निकट रीयूनियन द्वीप हॉटस्पॉट ज्वालामुखी का उदाहरण है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूकंप के कारणों के रूप में जाने जाते हैं, कौन सा है जो भूकंप के कारणों के रूप में जाना जाता है। यहां पर टोटल 4 कारण दिए हैं। पहला कारण है स्थल मंडलीय प्लेटों के किनारों पर दाब जनित बल। दूसरा कारण है भ्रंश के सहारे चट्टानी संरचना में अचानक स्खलन। तीसरा कारण है ज्वालामुखी क्रियाएं। चौथा कारण है प्लेट विवर्तनिकी। और हमें यहाँ पर पता चलाना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि इनमें से कौन सा कारण है जो भूकंप के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ये जो चारों कारण हैं वो बिल्कुल भूकंप के कारणों में इंक्लूड है, भूकंप के लिए उत्तरदायी हैं ये चारों कारण। ये चारों कारण भूकंप के कारणों के लिए उत्तरदायी हैं। देखो थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्थल मंडलीय प्लेटों के किनारों पर उत्पन्न दाब जनित बल से संबंधित है। कि जो भूकंपीय घटनाएं होती हैं वो स्थल मंडलीय प्लेटों के किनारों पर उत्पन्न दाब जनित बल से संबंधित होती हैं। कुछ विशेष प्रकार के भूकंप को ज्वालामुखी की क्रिया से संबंधित किया जाता है और उसे ज्वालामुखी भूकंप कहा जाता है। कि कुछ भूकंप ऐसे होते हैं जो ज्वालामुखी क्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है या ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है और उन्हें क्या कहते हैं, ज्वालामुखी या भूकंप कहते हैं।
भ्रंशों के साथ साथ अभिसारी, अपसारी और रूपांतरित किनारों पर भूखंडों के फिसलने से भी भूकंप आते हैं। इन्हें हम प्लेट विवर्तनीय भूकंप कहते हैं। एक होता है प्लेट विवर्तनीय भूकंप, नाम से पता चल रहा है। प्लेट विवर्तनीय भूकंप वो होते हैं जो प्लेटों की वजह से उत्पन्न होते हैं, जैसे अभिसारी क्रिया के कारण, अपसारी क्रिया के कारण या रूपांतरित क्रिया के कारण। इन तीनों से भूकंप उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम प्लेट विवर्तनीय भूकंप कहते हैं। उसके बाद आता है गहरा खनन है, भूमिगत परमाणु परीक्षण है, जलाशय जनित भूकंप है, जीवाश्म ईंधन का निष्कर्षण है, भूमिगत जल का संग्रहण है और कृत्रिम प्रवेशन आदि ये कारक हैं जिनकी वजह से भूकंप आते हैं। अब उसके बाद हम 10वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। सुनामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन फर्स्ट, सुनामी दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले तरंगों की एक श्रृंखला है। दूसरा है, सुनामी का संबंध महासागर ज्वार भाटा से है। तीसरा है, सुनामी हमेशा दिन के समय आती है। और तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमें पता चलाना है कि कौन सा कथन सही है। बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है कौन सा कथन सही है। आपके पास ये टोटल 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो कथन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि जो केवल पहला कथन है वो यहाँ पर सही है और दूसरा तीसरा कथन बिल्कुल गलत है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब हम पढ़ लेते हैं। सुनामी दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले तरंगों की एक श्रृंखला है, कि जो सुनामी है वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले तरंगों की एक श्रृंखला है। दीर्घ तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है, देखो एक मैं डायग्राम बनाता हूँ उसका। ये तो क्या है, दीर्घ तरंग दैर्ध्य है, ये तो दीर्घ तरंग दैर्ध्य का उदाहरण है। लघु तरंग दैर्ध्य है जैसे, ये लघु तरंग दैर्ध्य है। जो ये वाला है लघु तरंग दैर्ध्य का उदाहरण है और जो ये वाला है ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य का उदाहरण है। इसके लिए इसके बीच में जो ये लंबा डिफरेंस है, क्या ये लंबा डिफरेंस है, तो ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य हुआ। यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है, छोटा डिस्टेंस है, कि ये क्या हुआ, लघु तरंग दैर्ध्य हुआ। अब उसके बाद हम आज का जो 11वां क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो दोबारा से बताता हूँ, यदि आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, ऐसे वीडियोस को बहुत सारे और भी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाओ, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट कर रहा हूँ आपके लिए। तो आपका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि इस चैनल की आप हेल्प ले सकते हो। इसके साथ साथ यदि आप इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हो, एक मेरा ज्योग्राफी का व्हाट्सएप ग्रुप है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेट रिजर्व के एग्जाम के लिए, सेट के एग्जाम के लिए, कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम के लिए, स्कूल लेक्चरर के एग्जाम के लिए, तो आप इंटरेस्टेड हो तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। वो व्हाट्सएप ग्रुप स्पेशली टारगेट है सक्सेस का। यदि आप उस ग्रुप में ऐड होंगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सभी के सभी पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल सीरियसली वो क्या पढ़ते हैं। तो इसलिए आपको उस ग्रुप में ऐड होना होगा। और उस व्हाट्सएप ग्रुप के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो हैं 7891350470। तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। ये वैसे यहाँ पर एक इस कारण है क्योंकि मैं ये जो मॉडल पेपर वो पहले बना चुका हूँ, 10-10 के सेट, हर एक मॉडल पेपर में मेरे 10 क्वेश्चनों का सेट था, लेकिन मैं इस मॉडल पेपर सेट में टोटल 15 क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ, तो ये हमारा आज का 11वां क्वेश्चन है। सामान्यतः सुनामी समुद्र तटों में तीव्र विस्थापन से उत्पन्न होती हैं। भूकंप द्वारा समुद्री सतहों में क्षितिज संचलन सुनामी उत्पन्न करता है। समुद्री सतह के अंतर्गत भूस्खलन सुनामी के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पर हमें पता चलाना है कि कौन सा कथन सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कि जो कथन ए और कथन तीन है वो बिल्कुल सही है। कथन ए इज राइट, कथन थर्ड इज राइट एंड कथन सेकंड इज रॉन्ग। अब क्यों है, कैसे, हम पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें फर्स्ट पॉइंट है,
आमतौर पर सुनामी समुद्र तटों में तीव्र विस्थापन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। कि जो सुनामी होती है वो समुद्रों में तीव्र विस्थापन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। भूकंप द्वारा सुनामी की उत्पत्ति समुद्र तल के ऊर्ध्वाधर संचलन का परिणाम है, ना कि क्षैतिज संचलन का। कि यदि भूकंप के द्वारा सुनामी आती है तो वो समुद्र तल के ऊर्ध्वाधर संचलन के कारण आएगी, ना कि क्षैतिज संचलन के कारण। और तीसरा पॉइंट है, समुद्र के अंदर भूस्खलन सुनामी को प्रेरित करती है। कि जो समुद्र के अंदर जो भूस्खलन आता है वो सुनामी को प्रेरित करता है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। औसतन प्रशांत महासागर में वर्ष में 2 बार सुनामी की उत्पत्ति होती है। कथन फर्स्ट। कथन सेकंड है, सुनामी की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। तीसरा पॉइंट है, सुनामी की गति समुद्री जल के 10 मीटर की गहराई पर अधिकतम होती है। और यहाँ हमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें यहाँ पर क्या करना है, सही कथन का पता चलाना है कि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि जो दूसरा और तीसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 इज राइट एंड कथन नंबर 3 इज राइट एंड कथन नंबर 1 इज रॉन्ग। देखो हम पढ़ लेते हैं एक बार इसको। औसतन प्रशांत महासागर में वर्ष में 2 बार सुनामी आती है और लगभग 15 वर्षों के अंतराल पर एक विनाशकारी सुनामी आती है। सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको इसको रफ करके। ये एक तरीके से स्टार्ट मानो कि ये जो क्वेश्चन है हम दोबारा से रिस्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलाना है कि कौन सा कथन सही है। क्या है, कौन सा कथन सही है? कथन फर्स्ट है, औसतन प्रशांत महासागर में वर्ष में 2 बार सुनामी की उत्पत्ति होती है। दूसरा कथन है, सुनामी की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। तीसरा कथन है, सुनामी की गति समुद्र जल के 10 मीटर की गहराई पर अधिकतम होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, कि पहला और दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। कथन फर्स्ट इज राइट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज राइट एंड स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग। देखो औसतन प्रशांत महासागर में वर्ष में 2 बार सुनामी आती हैं और लगभग 15 वर्षों के अंतराल पर एक बार विनाशकारी सुनामी आती है। कि औसतन प्रशांत महासागर में वर्ष में 2 बार सुनामी आती हैं और लगभग 15 वर्षों के अंतराल पर एक बार सुनामी आती है। उसके बाद तीसरा जो 13वां क्वेश्चन है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है और यहाँ पर हमें क्या करना है, सही कथन का पता चलाना है। 2 कथन है, भूकंपीय तरंगों की अपेक्षा सुनामी की गति अत्यधिक तेज होती है। सामान्यतः सुनामी के 2-3 घंटे के उपरांत भूकंप का अनुभव किया जाता है। कथन नंबर 2। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, कि यहाँ पर कोई सा भी कथन सही नहीं है। अब क्यों सही नहीं है ये मैं आपको बता देता हूँ। सुनामी लहरों की गति 500 किलोमीटर से 700 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि प्रति घंटा होती है, सॉरी, जो सुनामी होती है उसकी जो लहरें होती हैं उनकी जो गति होती है वो 500 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जिसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो वो आता है 0.20 किलोमीटर प्रति सेकंड। जबकि जो भूकंपीय तरंगें होती हैं जिसको हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स, उनकी जो गति होती है वो 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, वही कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है इसका हमें पता चलाना है। पहला कथन है, सुनामी आने से पूर्व तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है। कि जब सुनामी आती है उससे पहले तटीय क्षेत्र के जल स्तर में तेजी से कमी आती है। दूसरा, सुनामी के दौरान उथले जल छोटे छोटे तरंग होते हैं। सुनामी के दौरान उथले जल क्षेत्र में छोटे छोटे तरंग होते हैं। और ये इसका 4 ऑप्शन है, हमें सही करेक्ट आंसर का पता चलाना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्या ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है?
ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और जो ऑप्शन कथन नंबर दो है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट। देखो, सुनामी आने का प्रथम संकेत होता है कि तटीय क्षेत्र के जल में तेजी से कमी आती है। कि जब सुनामी आती है तो उसका सबसे बेस्ट सिंबल होता है कि जो तटीय क्षेत्र होता है उसके जल स्तर में कमी आती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, वही कौन सा कथन सही है हमें पता चलाना है। दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी ज्यादा ही आते हैं। क्या है कि प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है। कथन सेकंड है, महासागरीय प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में सुनामी सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। कि महासागरीय प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में सुनामी सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। अब वाई, क्या कारण है जिसकी वजह से ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो, हिंद महासागर में भूकंपीय क्रियाएं बहुत कम होती हैं, इसलिए प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती हैं। हिंद महासागर में भूकंपीय क्रियाएं बहुत कम होती हैं, इसलिए प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती हैं। और जो दूसरा कारण है कि महासागरीय प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में सुनामी सर्वाधिक शक्तिशाली होती है, ये बात वो बिल्कुल सही है कि जहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं सबसे अधिक सक्रिय होती हैं वहाँ पर जो सुनामी होती है वो सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। और भूकंप और ज्वालामुखी की जो क्रिया होती है वो प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है, सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है, जिसकी वजह से जो सुनामी होती है वो अभिसारी प्लेटों के किनारों पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये चैप्टर था मॉडल पेपर 28 ये कंप्लीट होता है। इसमें हमने आपको टोटल 15 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करवा दिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर हम बिल्कुल रेगुलर इसी तरीके से वीडियोस बनाते बनाते उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं हम ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए और PDF लेने का जो मेथड है वो मैंने बीच में बता दिया है और मैं डिस्क्रिप्शन में और भी बता दूंगा। थैंक्स देखने के लिए, बाय।